अस्सलाम वालेकुम जी, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, चैप्टर नंबर वन है बेसिक मार्केटिंग बुक का, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। इस चैप्टर के अंदर जो की कंसेप्ट्स कवर होंगे, इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, की हेडिंग इसके अंदर एक मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर है कि मार्केटिंग की क्या अहमियत है और फिर मार्केटिंग को डिफाइन कैसे किया जाता है, क्योंकि ये इसमें कन्फ्यूजन आती है। मार्केटिंग का इतना ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नीड वर्सेज वांट्स का, वो इसमें कवर होगा इंशाल्लाह ताला। और फिर मार्केटिंग में योपिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। और फिर मार्केटिंग फिलोसफीज हैं, मार्केटिंग के एरास डिफरेंट समझे जाते हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट वगैरह। फिर स्कोप ऑफ मार्केटिंग है कि कहाँ तक मार्केटिंग के कंसेप्ट अप्लाई किए जा सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेवेंट नहीं है। और फाइनली मार्केटिंग के कंसेप्ट का विजन, ब्रांड्स एंड कैरियर, यानी आप लोग समझ लेंगे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इन चीज़ों का क्या बेनिफिट है, वो यहाँ पर टच होंगे। तो चैप्टर नंबर वन का जो ओपनिंग केस स्टडी है, ये एक पाकिस्तानी ही हैं, उन्होंने पहले कुछ अर्सा काम किया था इंटरनेशनल ब्रांड के लिए, बाद में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई सुपर जायंट गेम्स के नाम से, आमिर राव। उन्हें बल्कि एनलिस्ट भी किया गया है एज 30 under 34 ने। तो इनका अब जो एक्सपीरियंस है, इन्होंने एक एक गेम बनाई, PS4 में रिलीज की, X360 के लिए भी बनाई, ठीक है, RPG ट्रांजिस्टर की 2014 में आई, उसके बाद फायर आई 2017 के अंदर। और एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए पीछे कितनी एफर्ट होती है, एज ए कंज्यूमर यूजली लोग इन चीज़ों को अप्रिशिएट भी नहीं करते और रियलाइज भी नहीं करते। लेकिन अगेन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी जगह ठीक होते हैं कि जो लोग पे कर रहे हैं, जाहिर है वो परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट से। तो कौन सी नीड है जो वीडियो गेम्स फुलफिल कर रही हैं, और कौन सी नीड्स हैं जो दूसरी एंटरटेनमेंट सोर्सेज फुलफिल कर रही होती हैं। जो शख्स बाहर घूमने फिरने जा रहा है, जो शख्स ट्रैवलिंग पे जा रहा है, एट टाइम्स कुछ साइकिलिंग कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है, वो भी उसी नीड को फुलफिल कर रहा है एंटरटेनमेंट की। और जो व्यू कर रहा है, एक मैच व्यू कर रहा है एक शख्स, वो भी एंटरटेन हो रहा है। एक वीडियो गेम खेल रहा है, वो भी एंटरटेन हो रहा है। कोई खिलौनों से खेल रहा है, वो भी एंटरटेन हो रहा है। तो एक ही नीड को फुलफिल करने के कितने डिफरेंट तरीके हैं, ये मार्केटिंग के अंदर और किस तरह कंपनीज डिफरेंट तरीकों से उनको कैश करती होती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, इसका आप इससे अंदाजा लगाएं मार्केटिंग की अहमियत का, कि एक इंसान जब सो के उठता है, हो सकता है अलार्म उसके जिस मोबाइल फोन से बजा, हुआ भी के मोबाइल फोन से, उसने उठ के मेडिकेम या कोलगेट से टूथपेस्ट टूथब्रश किया, उसने ब्रेकफास्ट किया मे बी डॉन ब्रेड मिचल्स जैम के साथ ली, या और अपना अगर नाश्ता उसने हीटअप किया, लेट से डालें के रेफ्रिजरेटर से निकाला, LG के माइक्रोवेव ओवन में हीटअप किया है, ठीक है, अपनी असाइनमेंट बना रहा है वो इस लैपटॉप पे, मे बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा है, वो प्रिंट निकाल रहा है कैनन या HP से, बाटा के शूज पहन के जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, अगर सुजुकी पे जा रहा है, होंडा पे जा रहा है, या उबर करवा रहा है, या ऑटो रिक्शा करवा रहा है। तो अब देखें कि सिर्फ आंख खुलने से लेके अपने कामों पे जाने तक ऑलमोस्ट एवरी मोमेंट पे वो किसी ना किसी ब्रांड से टच किया जा रहा है। तो लोग रियलाइज करें या ना करें, लेकिन मार्केटिंग हमारी लाइफ के अंदर बहुत हैवीली इंटीग्रेटेड होती है। तो मार्केटर्स किस तरह यहाँ तक पहुंचते हैं, अपने सेल फोन के ऊपर ही देखें, इसके ऊपर जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स या लोगो स्लोगन हमें नजर आ रहे होते हैं, ये सारे के सारे किसी न किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनमें से बास डिफरेंट कंपनीज ओन करती हैं, बास सेम कंपनीज के अंडर भी आते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, समटाइम जो नॉन बिजनेस फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बस अगर पूछते भी हैं कि जी मार्केटिंग पढ़ने का हमें क्या एडवांटेज है, उसमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि इन केस आप में से किसी को भी कल को अपना बिजनेस करना पड़ता है, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट देगी मार्केटिंग का नॉलेज, आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगा। डिजिटल मार्केटिंग से लेकर प्रैक्टिकल पॉइंट्स वो इस कोर्स के अंदर कवर होंगे, स्पेशली फर्स्ट चैप्टर से आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरा एडवांटेज ये कि इरिस्पेक्टिव आप किस फील्ड से, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, साइकोलॉजी से, वट एवर यू आर स्टडिंग, लेकिन एज ए कंज्यूमर हम सब लोग कंज्यूमर हैं, इरिस्पेक्टिव कि हम क्या फील्ड, हमें हर बंदा ब्रांड यूज कर रहा है, प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो कंपनीज क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर रही होती हैं, एट टाइम्स उनमें से बात चीजें गलत भी होती हैं, जो हम लोग इस चैप्टर में भी टच करेंगे। तो हम एज ए कंज्यूमर भी ज्यादा इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनेंगे अगर हमें यह पता होगा कि मार्केटिंग के अंदर क्या क्या टूल एंड टेक्निक यूटिलाइज होती हैं। तो जो इल्म का असल मकसद भी है कि शऊर को बेदार करना, यह आपको बाशऊर बनाएगा, तो अपनी यानी पर्सनल डेवलपमेंट के लिहाज से भी इंशाल्लाह ताला ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो मार्केटिंग के आते हैं डेफिनेशन पे कि मार्केटिंग कहलाती क्या है। अगर अमूमन किसी लेमैन से पूछा जाए तो अक्सर लोग सिर्फ सेलिंग या एडवर्टाइजिंग को मार्केटिंग समझ रहे होते हैं, और इट इज ट्रू कि सेलिंग और एडवर्टाइजिंग दोनों काफी इंपॉर्टेंट है,
लेकिन जैसे आप लोग ये कोर्स पढ़ेंगे आपको आइडिया होगा कि ये दोनों ही सिर्फ मार्केटिंग के डोमेन्स हैं, बल्कि मार्केटिंग के 4 P's हैं जो भी इस चैप्टर में कंसेप्ट आ जाएगा। उनमें से प्रमोशन एक है, और प्रमोशन के अंदर फिर ये डिफरेंट टाइप्स हैं सेलिंग और एडवर्टाइजिंग। तो पूरी मार्केटिंग डोमेन का ये सिर्फ एक कॉर्नर स्टोन है, पूरी कंप्लीट मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग की बहुत सारे डेफिनेशन है क्योंकि बिल्कुल नई फील्ड है, रिलेटिवली न्यू फील्ड है, इसलिए इसकी कोई सिंगल एग्रीड अपॉन यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। फिलिप कॉटलर बहुत फेमस अमेरिकन ऑथर है, उनकी भी डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट डेफिनेशन मिलेंगी। पीटर ड्रकर अगेन एक ऑस्ट्रियन बोर्न यूएस कंसल्टेंट है, इन्होंने भी अब ये डिफरेंट तरीके से बताया कि मार्केटिंग ऑल बिजनेस को आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको मार्केटिंग कहते हैं। मैकन मार्केटिंग एसोसिएशन और डेफिनेशन दी है इसने, पूरी एक्टिविटी सेट्स इसने रफली स्पीकिंग 4 P's का जिक्र किया है। बट आई वुड से कि जो शॉर्ट एक डेफिनेशन कॉटलर ने दी है मार्केटिंग, वो क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू है। ये आई थिंक एक अच्छी डेफिनेशन है। आई वुड से कि आप इसको स्टिक कर लें तो कम से कम आपको याद रहेगा, यानी कंज्यूमर ही के लिए आपने वैल्यू क्रिएट भी करनी है और कैप्चर भी करनी है। बाकी जो इसके अंदर 4 P's कवर होते हैं हम लोग उनको भी देखते हैं, क्योंकि मार्केटर्स के टूल है जिनकी बेस के ऊपर कंपनीज प्रमोट करती हैं। तो 4 P's अब क्या होते हैं जो मार्केटिंग डेफिनेशन में इतनी हैवीली यूटिलाइज किए जा रहे होते हैं? मार्केटिंग के 4 P's है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये मार्केटर्स के टूल्स होते हैं, यानी मार्केटर्स ने एक प्रोडक्ट बनानी है, उसकी प्राइसिंग करनी है अपने टारगेट मार्केट के हिसाब से, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्लेसमेंट कंज्यूमर के करीब से मिलेगी या किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और जाहिर है उसको प्रमोट करना है ताकि कंज्यूमर्स को पता चले कि ये भी कोई प्रोडक्ट है। तो 1950s में इंट्रोड्यूस हुए थे, और बहुत सी टेक्स्ट बुक्स ने 4 P's के अंदर ही मार्केटिंग को कवर किया होता है इनिशियल लेवल पे, ताकि लोगों के लिए समझना कन्वीनियंट रहे। उसके बाद मार्केट की एक टर्म है, सिर्फ ये डिफ्रेंशिएट कर लें, क्योंकि टारगेट मार्केट और मार्केट में ये मार्केट की दो मीनिंग बनते हैं। एक तो जाहिर है उस जगह को कहा जाता है, वो फिजिकल प्लेस जहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स बेची जाती हैं और खरीदी जाती है। दूसरा मार्केटर्स टारगेट मार्केट को भी शॉर्ट में मार्केट कह देते हैं, यानी जो कंपनी के टारगेट मार्केट है, कंपनी जिन टाइप के कंज्यूमर्स को लोगों को करना जा रही है। जैसे आप लोगों ने टर्म सुनी होगी, लोग कहते हैं बात करते जी फ्लाम प्रोडक्ट की यहाँ पे मार्केट नहीं है, उससे मुराद क्या होता है कि इसका यहाँ पे कस्टमर नहीं है। तो कस्टमर के लिए जो टारगेट मार्केट है या टारगेट कस्टमर ग्रुप है, उसके लिए भी मार्केट का वर्ड यूटिलाइज किया जाता है। अच्छा, मार्केट के कंसेप्ट में ये जो प्रोडक्ट का वर्ड है, समटाइम्स इस पे ऑब्जेक्शन आता है कि जी 4 P's के अंदर प्रोडक्ट का तो वर्ड यूज हुआ, लेकिन एक्चुअली जो है वो इसके अंदर सर्विसेज भी तो इंक्लूडेड होती हैं। तो इट इज ट्रू, प्रोडक्ट से मुराद सर्विसेज भी उसमें शामिल हैं। आल्दो दोनों के दरमियान डिफरेंसेज हैं, लेकिन लेटर ऑन टच करेंगे हम लोग। मसलन जब कोई ऑटो रिक्शे की सर्विस ले रहा है, उबर की सर्विस ले रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहा है। वो जो उसको पे कर रहा है 200-300 रुपए, उसके बदले में कोई फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट उससे नहीं मिल रही, लेकिन आपको एक सर्विस मिली कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। तो सर्विसेज बहुत बड़ी डोमेन है, बल्कि प्रोडक्ट से ज्यादा सर्विसेज होती हैं, ये भी इसमें टच होंगी। फिर आता है कस्टमर वैल्यू का कंसेप्ट, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू से क्या मुराद है कि कंज्यूमर को एक सर्टेन बेनिफिट्स उसको ज्यादा मिल रहे होते हैं उन कॉस्ट के बदले में, तभी कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को परचेज करता है। अगर आपको बेनिफिट कम मिल रहा हो तो ऑब्वियसली आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 80 रुपए का आपको शामी बर्गर भी मिल जाएगा, आपको 450 रुपए का भी बर्गर मिलेगा, आपको 1000-1000 रुपए की भी हार्डीज वगैरह के बर्गर मिल जाएंगे। तो इसमें डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं कि आपको जो वैल्यू आप 80 रुपए के शामी बर्गर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत से लोगों की नजर में वो एक रीजनेबल वैल्यू है, यानी उनको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, इसी वजह से वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे होते हैं। तो वैल्यू को बकायदा इवन हम इक्वेशन टर्म में भी लिख सकते हैं, बेनिफिट यानी फंक्शनल बेनिफिट्स या और बेनिफिट्स डिवाइडेड बाय कस्टमर कॉस्ट क्या है। और कॉस्ट में हम डिफरेंट चीजें लेते हैं, फाइनेंशियल, टाइम, एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता चलता है जी कि एक जगह से लेट्स से मोबाइल फोन की मार्केट से फीस सेंटर से एक मोबाइल फोन थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, मोहल्ले के करीब जो आपके मार्केट है उसमें 10,000-200 का मिलेगा, तो आप सिर्फ 200 रुपये बचाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका जो टाइम और एनर्जी कंज्यूम हो रही है आप वो नहीं जाया करना चाहेंगे, आप उसको सेव कर रहे हो। तो ये यानी वैल्यू का कंसेप्ट आता है। इसको अगर आप लोग इस ग्रिड के ऊपर अप्लाई करके देखें, टेबल 1.1 है, इस सैंपल के तौर पे दिया हुआ है कि अगर एक शख्स मसलन अली है, वो ऑफिशियल शूज 3000 के परचेज करने के लिए तैयार है, लेकिन जॉगर या स्केट्स को वो हो सकता है 100 रुपए के भी ना खरीदे, क्योंकि उसकी नजर में उसने ना जॉगर यूज करने हैं ना स्केट्स यूज करने हैं। तो वो स्लीपर्स भी खरीद रहा है, ऑफिशियल शूज तो खरीद रहा है एक्सपेंसिव उसके भी, ठीक है। खालिद जो है वो ऑन द अदर एंड अगेन जॉगर नहीं ले रहा, लेकिन स्केट्स में इंटरेस्टेड है, वो 25,000 रुपए के स्केट्स परचेज कर लेता है, लेकिन स्लीपर या दूसरे शूज को वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेता। इस तरह आमना है, वो उसको ऑफिशियल शूज की जरूरत नहीं है, लेट से वो जॉगर 10,000 के ले रही है लेकिन स्केट्स नहीं परचेज करी। तो क्या हो रहा है कि उनकी नजर में सारे शूज है, हालांकि सारे फीट की कवरिंग की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, ट्रेवलिंग की नीड में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन फॉर सेफ्टी फॉर फीट, लेकिन ये कि हर बंदा डिफरेंट प्राइस डिफरेंट टाइप के शू को पे करने के लिए विलिंग। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी नजर में वो क्या बेनिफिट दे रही है, वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट ओवर कॉस्ट।
तो शू टाइप से भी वो आपका चेंज कर जाता है, वेरी कर जाता है। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का कंसेप्ट इसी से मिलता जुलता निकलता है कि एक कस्टमर जब आपके पास आता है अगर वो सेटिस्फाइड है तो ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ वो आपसे बहुत ज्यादा प्राइस की परचेजेस कर रहा होता है, इसलिए कंपनीज इसका भी ध्यान रखती है या रखना चाहिए कह लें। अब आता है इतना ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नीड और वांट का। हर प्रोडक्ट कोई ना कोई नीड फुलफिल करती है। नीड को उर्दू में हम जरूरियात भी कहते हैं, इंग्लिश में ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस टर्म की, स्टेट रदर स्टेट्स ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन। ठीक है, जो हालत आपकी है स्टेट से मराद हालत फेल्ट जो आपको फील हो रही हो, डेप्रिवेशन कमी की, जब आपको भूख लग रही होती है तो आपकी नीड यानी उस वक्त आपको एक अनकंफर्टेबिलिटी फील हो रही होती है, तो वो जो डेप्रिवेशन है आप जब खाना खा लेते हैं वो डेप्रिवेशन खत्म हो जाती है। इसी तरह प्यास लग रही है, नींद आ रही है वगैरह वगैरह, ये फिजिकल नीड्स हैं। इसी तरह सोशल नीड्स हैं आपकी, तो वो जब कम होती हैं तो आपकी ये नीड आपको तंग करना शुरू कर देती है। और वांट क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ नीड यानी नीड जो शेप इख्तियार कर लेती है उसको वांट कहा जाता है। ये शेप किस तरह इख्तियार करती है, ये सोसाइटी भी शेप करती है और आपकी अपनी पर्सनैलिटी का भी ताल्लुक होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कुलीग अपना वाक्य बता रहे थे, वो कहते मेरे पास एक गेस्ट आया तो मैंने सोचा इसके लिए मैं KFC मंगवा दूं, मैंने उसके लिए ब्रोस्ट ऑर्डर कर दिया रोटी की बजाय। उसने ब्रोस खा लिया और खाने के बाद कहता रोटी किधर है। ठीक है, तो इस केस में अब क्या हो रहा है इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसको भूख लगी, उनके ख्याल में नीड फॉर हंगर, जो नीड है वो इससे फुलफिल नहीं हो रही ब्रोस से। ठीक है, तो नीड जो है एक्चुअली आप समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई होती हैं, और वांट्स जो हैं वो आप किस तरह किस मेथड से फुलफिल कर रहे हैं। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि प्रोडक्ट्स नीड्स नहीं होती, आगे भी हम लोग टच करेंगे। मसलन आजकल के दौर में लोग कहते हैं AC नीड बन गया या मोबाइल फोन नीड बन गया, तो नीड एक्चुअली जो मोबाइल फोन फुलफिल कर रहा है वो कम्युनिकेशन की है। जब मोबाइल फोन नहीं बने थे 1970s में तब भी कम्युनिकेशन की नीड फुलफिल होती थी, उस वक्त टेलीफोन से होती थी, लेटर से हो जाती थी। अब आजकल के दौर में मोबाइल फोन बन गया है, हमें अब डिफिकल्ट लगता है कि जी मोबाइल फोन तो रिप्लेस ही नहीं हो सकता, लेकिन इन फ्यूचर क्या बनेगा वो हम लोग जब टाइम आएगा तो फिर हमें पता चलेगा। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स कार है एक लैम्बोर्गिनी, अब ये बहुत से लोग चूंकि अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत से लोग चाहेंगे कि हम उन्हें ये मिल जाए, लेकिन उसकी चूंकि प्राइस सबसे ज्यादा है $400,000 की, 7 करोड़ रुपए बन रही है डायरेक्ट प्राइस, इम्पोर्ट टैक्सेस मिला के और भी ऊपर जाएगी, इस वजह से बहुत से लोग ले नहीं सकेंगे। तो नीड फॉर ट्रैवलिंग लोग और तरीकों से भी फुलफिल कर लेंगे। तो इस तरह यानी डिफरेंट तरीके होते हैं जिनसे आप सर्टेन नीड्स फुलफिल करवा लेते हैं। तो ये टेबल 1.2 के अंदर प्रोडक्ट नीड्स एंड वांट्स है। आई वुड रिकमेंड कि इसके अंदर आप मसलन कार की फुलफिल करें, नीड क्या फुलफिल करती है, वांट क्या है, और वांट की लेट्स से और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या है, कोई भी और प्रोडक्ट लिखें आप, लैपटॉप लिखें, एनीथिंग एल्स जो आपके जेन में है प्रोडक्ट, और उसे देखेंगे उससे क्या नीड फुलफिल हो रही है, वांट्स क्या है, और अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या हैं जो ली जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सैंपल के तौर पर मोबाइल फोन की फुलफिल की है, नीड कम्युनिकेशन है, वांट मोबाइल फोन है, आप अक्सर लोग मोबाइल फोन से कर रहे हैं, टेलीफोन एक अल्टरनेट है, उसका लैपटॉप अल्टरनेट है, बाद लोग उससे ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क है, थर्स्ट की भी नीड फुलफिल कर रहा है, फ्लेवर्ड मिल्क की भी कर रहा है, शूज है, सेफ्टी फुलफिल। तो डिफरेंट हर प्रोडक्ट कोई ना कोई नीड भी फुलफिल कर रही होती है, और जाहिर है वो खुद फिर प्रोडक्ट टाइप वांट बन रही होती है। अच्छा, अब कंज्यूमर नीड्स डिस्कवर की जाती हैं, मसलन कंपनीज कंटिन्यूसली एफर्ट कर रही होती हैं कि हम किसी ना किसी तरह नीड्स को फुलफिल करें, जैसे मोर रिसेंटली अब हो रहा है ये ट्रांसपोर्टेशन की नीड, ऊबर वगैरह किस तरह फुलफिल कर रही हैं। IBM ने क्या हुआ था, इसने किसी जमाने में रिसर्च कंडक्ट की थी कि आपके ख्याल में कितने कंप्यूटर्स की सेल होगी, तो उस रिसर्च का बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट था कि लेस देन 10 पीसीज पर ईयर सेल होंगे, और कंपनी ने रियलाइज किया कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि एक कंप्यूटर जो है वो कौन कौन सी नीड फुलफिल करेगा। और 2019 के स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि 40 करोड़ से ज्यादा कंप्यूटर बिके, जिसमें लैपटॉप डेस्कटॉप पीसीज और टेबलेट पीसीज इंक्लूडेड है, तो 40 करोड़ कंप्यूटर एक साल में सेल हो रहे हैं, जबकि उनकी रिसर्च बता रही थी कि 10 से कम पीसी बिकेंगे। क्योंकि कौन कौन सी नीड फुलफिल हो रही है ये समटाइम्स हो जाता है प्रोडक्ट्स में कि वो लोगों को पता नहीं चल रहा होता, जबकि जब जाहिर प्रोडक्ट आती है फिर लोग उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं उस हिसाब से। प्रोडक्ट और ब्रांड के दरमियान फर्क जेन में रखें, प्रोडक्ट्स जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती, ब्रांड नेम्स रजिस्टर्ड होते हैं, और प्रोडक्ट जनरल कैटेगरीज को कहा जाता है, जबकि ब्रांड नेम्स जो है वो स्पेसिफिक नेम होते हैं। मसलन पेन कोई भी कंपनी बना सकती है, पेन एक प्रोडक्ट है, लेकिन ब्रांड नेम लेट्स से पियानो डॉलर का पेन वो कोई और कंपनी नहीं। प्रोडक्ट शैम्पू दुनिया की कोई भी कंपनी बना सकती है,
लेकिन ब्रांड नेम जो ऑन किए जा रहे हैं, सनसिल्क है वो, लाइफ बॉय है वो, ओन्ड कंपनीज हैं जो सिर्फ बना सकती हैं और कोई भी कंपनी नहीं बना सकती। तो ये इस लिहाज से क्रिटिकल हो जाता है, पूरी मार्केटिंग का काम एक्चुअली ब्रांड बिल्डिंग होता है, जो हम आगे चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में टच करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स क्या होता है, ब्रांड नेम्स को जनरल प्रोडक्ट कैटेगरीज के तौर पर लोग यूज कर रहे थे। रोलर ब्लेड वाली कंपनी के बारे में आता है कि एक सेलिब्रिटी ने एक दफा यूज किया, उसने कहा जी मैं रोलर ब्लेडिंग करती हूँ। तो कंपनी ने बकायदा उस सेलिब्रिटी से रब्ता किया, उनको कहा कि आप या कहें कि मैं इनलाइन स्केटिंग करती हूँ, या आप कहें मैं रोलर ब्लेड के इनलाइन स्केट्स यूज करती हूँ, आप रोलर ब्लेड का एज ए वर्ब ना यूज करें, क्योंकि अगर ये वर्ब के तौर पर यूज होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि प्रोडक्ट और ब्रांड के दरमियान फर्क खत्म हो जाएगा। जब फर्क खत्म हो जाएगा तो कंपनी की अपनी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, ब्रांड बनाने का मकसद खत्म हो जाएगा, जिसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हिस्ट्री में मिलती हैं। एस्केलेटर जानते हैं आप लोग, ठीक है, ये जो मूविंग स्टेयरवेज का एक्चुअली एस्केलेटर, इसका वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड था। तो वो कंपनी हर किसी ने, जब दूसरी कंपनीज ने भी एस्केलेटर एक्चुअली ये मूविंग स्टेयर बनानी शुरू की, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर, तो उसको भी लोगों ने एस्केलेटर कहना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जो ओरिजिनल कंपनी थी वो, उसका डिफरेंस खत्म हो गया और वो डिजोल्व होगी। जोयो के बारे में भी यही आता है, इस तरह और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स में हो रहा है। पोस्टेप और पोस्टेड नोट्स को भी अक्सर लोग एज ए जनरल प्रोडक्ट कैटेगरी लेते हैं, हालांकि ये ब्रांड नेम है। बल्कि पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल मिलती हैं। सर्फ को उर्दू में अक्सर लोग, वो एक्चुअली सर्फ तो एक ब्रांड है, तो उसको यहाँ पे सर्फ एक्सल कहा जा रहा होता है। लोग एरियल का भी लेते हैं तो कहते हैं कि एरियल का सर्फ दे, हालांकि इंटरनेशनली सर्फ भी, ये जो पाउडर डिटर्जेंट है उसका एक सेपरेट ब्रांड है। पैम्पर्स का भी यही है, एक्चुअली डिस्पोजेबल डायपर्स को पैम्पर कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में समटाइम्स लोग हर ब्रांड को ही उसके लिए पैम्पर्स का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये डिफरेंट, इजी लोड का भी है सेम सिमिलर स्टोरी, ये टेलीनॉर ने लॉन्च किया था, लेकिन अब लोग मोबिलिंक और यूफोन के भी जो यूजर्स हैं वो भी बाज़गत कह रहे होते हैं कि जी यूफोन का इजी लोड है, इस तरह के टर्म यूज कर रहे होते हैं। तो ब्रांड और प्रोडक्ट के दरमियान डिफरेंस बड़ा क्रिटिकल है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला। मार्केटिंग म्योपिया, म्योपिया का मीनिंग है एक्चुअली शॉर्ट साइटेडनेस। तो जब कोई दूर अंदेश ना हो उसके लिए शॉर्ट साइटेड का वर्ड यूज करते हैं। एक्चुअली एक फेमस आर्टिकल था जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मोस्ट रेड आर्टिकल्स में आता है, 1960 में थियोडोर लेविट ने लिखा था, हार्वर्ड के एक लेक्चरर ने, और ये आज भी यानी बड़ा फेमस है। उन्होंने ये कहा था कि बहुत सी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि वो अपनी प्रोडक्ट को, अंडरलाइंग नीड को भूल जाती है। तो मैनेजमेंट अगर ये भूल जाए कि उसका बिजनेस वो कौन सी नीड फुलफिल कर रहा है, उसके स्कोप को छोटा कर दे, तो ये कंपनी की ये जो मिस्टेक है, इसके बदले में ज़्यादा लॉन्ग रन में अल्टरनेट प्रोडक्ट जो है वो कंपनी के प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देंगी। तो ये नुकसान यानी कंपनी को लॉन्ग रन में होता है, शॉर्ट रन में चल जाती है। ये बड़ा फेमस आर्टिकल हुआ है और ये पॉइंट्स काफी हद तक वैलिड है। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर भी दिया कि अगर रेलवे वाली कंपनी ये समझे कि लोगों की नीड रेलवे है, तो ज़ाहिर है ये एक्चुअली गलती होगी, क्योंकि एयर ट्रैवल और बेटर बस सर्विसेज उसी नीड को फुलफिल कर सकते हैं जो कि आपको ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा है, आपको और आपके लगेज को, लेट से फ्रॉम वन प्लेस, वन सिटी टू अनदर, एक्सेट्रा। तो प्रोडक्ट्स नीड्स नहीं होती, ये क्रिटिकल पॉइंट है आपको ध्यान में रखना। हमने इसमें आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हम मोबाइल फोन की ले सकते हैं कि आज हम नहीं समझ रहे कि कोई नीड फुलफिल हो सकती है, जबकि सोनी ने एक वीडियो गेम रिलीज की होराइजन जीरो डॉन के नाम से 2017 में, उसके अंदर वो सेट है 1000 साल फ्यूचर में, 31st सेंचुरी में, तो उस 30th सेंचुरी में, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, वो 21वीं सदी के इंसान को भी एंशियंट वंस कह रहे होते हैं कि कदीम जमाने का ये इंसान था। और जिक्र किया उन्होंने कि 21वीं सदी के अंदर फोकस नाम का एक डिवाइस बन गया था, जिससे इंसान इनसे रोबोट्स वगैरह से भी कम्युनिकेट कर सकता था और उसी के थ्रू आपस में भी कम्युनिकेट कर लेता था, मशीन्स को भी। और तो एक्चुअली यानी जो फोकस है माइनर डिवाइस, वो रिप्लेस है, रेप्लिका है, रिप्लेस कर रहा है एक्चुअली मोबाइल फोन को, उसके एक अल्टरनेट के तौर के ऊपर शो किया गया। तो इस तरह है कि जो प्रोडक्ट्स हम आज नहीं परसीव कर पा रहे, हो सकता है इन फ्यूचर वो रिप्लेस करते हैं हमारी करंट नीड को। तो अभी हमारे लिए समझना डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब एक्चुअल टाइम आता है फिर पता चलता है। इसके बाद आती है मार्केटिंग फिलोसफीज। तो मार्केटिंग की एक ब्रीफ हिस्ट्री है, यानी 1450 में आता है जी प्रिंट एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हुई, फिर मैगजीन 1730 में, फिर पोस्टर 1800 में, बिल बोर्ड लेट 1800 में, रेडियो एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो गई थी 1922 में, टीवी एड 1940 में, और SMS मोबाइल एडवर्टाइजिंग जब मोबाइल फोन 1977 के बाद 1990 से शुरू होगी। फिर डिजिटल एरा आता है जब 94-95 में इंटरनेट आया, फिर फेसबुक आई 2004 में, यूट्यूब 2005 में, व्हाट्सएप 2009 में, और पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम आगे 2010 में। तो डिजिटल मार्केटिंग का जाहिर एक अपना ही रहा है, बल्कि अभी आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि 2019 में, 2020 में फर्स्ट टाइम हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग का शेयर जो है वो बाकी टोटल एडवर्टाइजिंग से बढ़ गया हुआ है। बट एनीवे, दूसरा इसके अंदर क्या है, डिफरेंट इराज थे मार्केटिंग के। प्रोडक्शन कंसेप्ट 1840 से कह समझ लें आप 1930 तक चला है। इसके अंदर क्या कहते थे, इसकी रूट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में थी, इसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंसर्न होती थी,
कि हम प्रोडक्ट इस तरह बनाएं कि सस्ती से सस्ती पड़े, हमारे लिए बनानी इजी हो, ताकि सस्ती पड़े और कंज्यूमर तक हम ज्यादा कम प्राइस के अंदर दे सके। हेनरी फोर्ड के बारे में आता है, वो बल्कि जोक भी करता था कि मैं हर रंग की गाड़ी बनाता हूँ एज लॉन्ग एज इट इज ब्लैक, क्योंकि उसका रैशनल क्या था, वो कहता था अगर मैं डिफरेंट कलर्स की गाड़ियां बनाऊंगा तो मुझे ज़ाहिर ऑपरेशनली एफर्ट करनी पड़ेगी, डाई बार बार चेंज करने पड़ेंगे, तो मुझे जब एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी टाइम भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी हमारी, तो उस वजह से वो सिंगल कलर की बनाता था ताकि सस्ती पड़े और उस जमाने में जरूरत भी थी, तो वो किसी हद तक चल गई। उसके मुकाबले पर जनरल मोटर्स आया तो उसने मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स और कलर्स की गाड़ियां देनी शुरू की। तो प्रोडक्शन का सेट आज भी बाज फील्ड के अंदर चल रहा होता है, पोल्ट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली चल रहा होता है, हालांकि ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, बट एनी वे बाज कंपनीज की अभी भी प्रैक्टिस कर रही होती है। इसके बाद आया प्रोडक्ट कंसेप्ट, ये 1920 से 60 तक ज्यादा चला। प्रोडक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए। एक माउस ट्रैप बनाने वाली कंपनी का जुमला फेमस है, वो कहती थी कि अगर आपने वर्ल्ड क्वालिटी माउस ट्रैप बना लिया ना, तो दुनिया खुद आपके दरवाजे पे आएगी। ये पार्शली ट्रू है कि जब आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं तो जाहिर है लोगों को ऐसा सस्ता पता चलता है और लोग उस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, लेकिन ये इस लिहाज से गलत है कि आप मार्केटिंग मायोपिया के विक्टिम बन जाते हैं, क्योंकि कंपनी ओवर ऑब्सेस्ड हो जाती है अपनी प्रोडक्ट से। अगर प्रोडक्ट से ओवर ऑब्सेस्ड होगी और अंडरलाइन नीड को भूल जाएगी तो लॉन्ग रन के अंदर कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो वैसे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए लेकिन ओवर प्रोडक्ट फोकस नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर आया सेल या सेलिंग कंसेप्ट। ये कहता है कि आपको सेलिंग एफर्ट बहुत ज्यादा करनी चाहिए, जितनी ज्यादा कंपनी सेलिंग एफर्ट करेगी, सेल फोर्स हायर करेगी, उतनी ही ज्यादा उसकी सेल होगी। ये भी पार्शियली ट्रू है कि किसी हद तक ऑब्वियसली आपको सेल्स की भी कोशिश करनी होती है और उसके बदले में आपको सेल मिल जाती है। ये आज भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह इसकी प्रैक्टिस कर रही होती है कि उनका सेल फोर्स हायरिंग के ऊपर फोकस होता है। उसके बाद आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि आप पहले ये देखें कि कंज्यूमर की नीड क्या है, फिर देखें कि कंपनी उनकी नीड को उस किस प्राइस में किस तरह फुलफिल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के अंदर तपाल दानेदार एक ब्रांड है, इसने देखा कि पाकिस्तान के लोग स्ट्रॉन्ग टी को प्रेफर करते हैं, तो कंपनी ने क्या किया कि उसने स्पेशल यानी इम्पोर्ट किया थोड़ी मोटी पत्ती जो स्पेशल ग्रेन, ताकि लोगों की वो नीड फुलफिल हो। उसका रिजल्ट क्या है कि इस वक्त तपाल पाकिस्तान का लार्जेस्ट टी ब्रांड बन गया हुआ है। जितने भी इंटरनेशनल फॉरेन ब्रांड्स हैं, यूनिलीवर की, ब्रूक बॉन्ड और लिप्टन का, जो कि इंटरनेशनली बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मार्केट शेयर तपाल का ज्यादा है। तो ये एडवांटेज होता है कि जब आप कंज्यूमर नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं तो उससे बदले में आप लॉन्ग रन के अंदर मार्केट शेयर गेनिंग कर पाते हैं। तो मार्केटिंग कंसेप्ट एक्चुअली सेलिंग कंसेप्ट का बिल्कुल उलट है। सेलिंग कंसेप्ट कह रहा है कि प्रोडक्ट बना लो और बेचने की कोशिश करो, मार्केटिंग कंसेप्ट कह रहा है कि नहीं, पहले कंज्यूमर नीड देखो उसके बाद प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनाओ। इसके बाद आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट। ये रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जो मार्केटिंग कंसेप्ट से स्लाइटली इवॉल्व्ड है, मार्केटिंग कंसेप्ट कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर फोकस करता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि कस्टमर रिटेनिंग के ऊपर भी जोर देना चाहिए। ये उसके ऊपर फोकस करता है कि आपका जो कस्टमर बन गया वो बिला वजह में चेंज नहीं करेगा, तो उसको आप इफेक्टिवली सर्व करते रहे। तो ये यानी माइनर सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट रिसेंटली आया और खास तौर पे इसके अंदर एक सब कंसेप्ट आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, सीआरएम का, खास तौर पे यूजिंग टेक्नोलॉजी। आजकल के दौर में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसके थ्रू कंपनीज बहुत इजीली कंज्यूमर डाटा भी ले लेती है और उनको बहुत अच्छी सर्विस दे सकती है। बास कंपनीज, फास्ट फूड के ब्रांड, ये कैब सर्विसेज, इनको आप एक दफा कॉल करें, दूसरी दफा करें तो वो आपका पूरा डाटा ले लेती है कि आपने किस जगह से किस जगह तक जाना है, कहाँ पे जो है ना ड्राइवर भेजना है, ये कहाँ पे फूड डिलीवर करना है, और उसके हिसाब से वो आपको फिर बेहतर सर्विस दे लेते होते हैं। तो ये सीआरएम का एडवांटेज होता है। टेबल 1.3 के अंदर जो पांचों मार्केटिंग फिलोसफीज हैं वो समराइज की हुई है कि निराज के अंदर ये रफली चलती थी, इनके नाम क्या है और इनकी एक्सप्लेनेशन डिटेल क्या है। कंसेप्ट टेस्ट है ये, ट्राई कीजिएगा कि ये अगर हायर मैनेजमेंट के ये पांच माइंडसेट्स हैं तो आपके ख्याल में उनका इन पांचों में से कौन सा बन रहा है। ये देखिए इनमें से किससे रिलेट होता है और बाकी किसके साथ रिलेट होता है। इसके बाद है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं यूज होते, बट ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के लिए, प्लेसेस के लिए, आइडियाज के लिए, सर्विसेज के लिए, हर चीज के लिए यूज होते हैं। तो फिजिकल गुड्स के लिए तो होते ही होते हैं, सर्विसेज के लिए एक सलून वाला, बस रिक्शा के लिए, हॉस्पिटल के लिए भी यूज होते हैं, आइडियाज के लिए रोड सेफ्टी के ऊपर, नो स्मोकिंग के ऊपर, सोशल मार्केटिंग के ऊपर, कीप योर सिटी क्लीन का आपने ऐड देखा होगा, अपने शहर को साफ रखें। तो इसके पीछे आइडिया क्या है कि मार्केटिंग ही के कंसेप्ट वो भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक यानी सफाई के ऊपर जो है ना वो एम्फसाइज कर रहे हैं। इस तरह पीपल खासतौर पर जैसे पॉलिटिशियंस जो है वो अग्रेसिवली कम्पीट कर रहे होते हैं, प्लेसेज हैं दुबई, लाहौर वगैरह, फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रांड है टूरिज्म का, ट्रेवलिंग कॉर्पोरेशन, वो कह रहा है कि आप लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड टुगेदर नाउ। तो डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट जो सिटीज हैं ये एक्चुअली उनको मार्केट कर रहे हैं कि फला शहर में आप जाएं या फला मुल्क में आप जाएं उसकी सैर करें। इसी तरह वर्ल्ड हिजाब डे, ये भी एक आइडिया को सेल कर रहा है कि मोडेस्टी के लिए, इसके ऊपर बहुत से इवन नॉन मुस्लिम जिन ने वो हिजाब ले रही होती हैं। तो इस तरह डिफरेंट आप आइडियाज को,
यूनाइटेड नेशंस ये मोर रिसेंटली अब ये ऐड क्या कह रहा है, प्रिस्क्रिप्शन स्टे एट होम, तो कोविड के लिए वो आपको प्रमोट करें एक आइडिया कि अगर आप घर पे रहेंगे तो आप महफूज रहेंगे। यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बेची जा रही, कोई चीज नहीं सेल की जा रही, सिर्फ एक आइडिया सेल हो रहा है कि आप घर पे रहेंगे तो आप महफूज रहेंगे। तो इस तरह यानी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के लिए भी इवन योगा, जूडो, ट्रेवलिंग वगैरह एक एक्सपीरियंसेस को भी सेल किया जाता है। अब आते हैं मार्केटिंग अच्छी है या बुरी है, गुड और इवन, क्योंकि मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी है, हम लोग उसको भी टच करते हैं अभी। तो मार्केटिंग के बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आए, ऐसी टेक्नोलॉजीज आई हैं, इंटरनेट, गूगल, याहू, इन्होंने कनेक्टिविटी बहुत कन्वीनियंट कर दी, फेसबुक और व्हाट्सएप से हम दूसरों से रब्ता बहुत जल्दी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग, स्काइप के बेनिफिट्स हुए, तो बहुत सारी चीजें बेनिफिशियल भी हुई। अलबत्ता मोर रिसेंटली क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे नुकसान भी आ रहे हैं, जिसको हम लोग आगे टच करते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी ने और ये ब्रांड्स ने, मार्केटिंग ने बेनिफिट ज्यादा दिए हैं या नुकसान ज्यादा पहुंचे। बस वैन क्रिटिसिज्म मार्केटिंग में आता है कि जी डिसेप्शन होती है एडवर्टाइजिंग में, अननेसेसरी एडवर्टाइजिंग है बहुत, कंज्यूमर प्राइवेसी रिस्क पे आ रही है और मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो वन बाय वन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड। इंटरेस्टिंगली अगर आप कोई भी इंडिपेंडेंट वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स और फास्ट फूड का कोई भी डॉक्टर मशवरा नहीं देगा। किसी भी आप हेल्थ की वेबसाइट पर जाएं, जनरल आर्टिकल्स पढ़ें, तो इनके हद से ज्यादा हेल्थ हैजर्ड हैं। लेकिन कभी भी ये कंपनीज नहीं बताती कि जी हमारा जो है फूड प्रोडक्ट वो आप कम लें। आप देखिएगा कभी आपको कोई फास्ट फूड का एड मिले जो ये कहे कि जी फास्ट फूड जो है ना वो ज्यादा लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस होगा, इसलिए कम खाएं। सॉफ्ट ड्रिंक का कोई एड देख लीजिएगा जिसमें ये लिखा हो, ये चीजें इन्होंने मेंशन नहीं की होती, जो कि अनफेयर है ये। बल्कि वीडियो देखिएगा, ये बीबीसी का एक इंटरव्यू है प्रेसिडेंट ऑफ कोका कोला का और बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर डिस्कशन है। इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्शन टाइम वेस्टिंग प्रोडक्ट्स है। अब नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया कॉमन हो रहे हैं, टीवी के ऊपर बहुत सारे चैनल्स आ गए, सारे प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लेकिन उनसे इंसान किस कदर टाइम वेस्ट कर रहा है और क्या ये टाइम किसी बेहतर कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर नहीं स्पेंड हो सकता था, ये एक बहुत बड़ा इशू है मार्केटिंग में। अनवांटेड एडवर्टाइजिंग, कितनी दफा ऐसा होता है कि आप बैठे हैं और आपको अचानक जो है ना मैसेज आ जाएगा, आप मैसेज खोल के देखेंगे लिखा होगा जी घर की टंकी की सफाई करवाएं, ठीक है, या अपना विंडो एसी बेच दें। अब आपके पास एक प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ये जो इस तरह की प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग है ये आपको बहुत ज्यादा बॉदर करती है, क्योंकि आपकी लाइफ में तो इसके ज़ाहिर अल्टरनेट्स भी आ गए हैं, बट इन जनरल अनवांटेड एडवर्टाइजिंग लोगों का टाइम भी वेस्ट करती है और तंग भी करती है। फिर एनवायरमेंटल वेस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह का हो रहा है इसकी वजह से हद से ज्यादा जो है ना पोल्यूशन बढ़ रही है, तो एनवायरमेंटली भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कंज्यूमर प्राइवेसी इन्वेजन इतना ही सेंसिटिव पॉइंट है, टेड के ऊपर इसकी बहुत सारे टॉक्स अवेलेबल हैं, ये आप लोग गो थ्रू कीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि इस वक्त जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसको भी अथॉरिटी मिली हुई है कि वो किसी भी मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करके, किसी भी लैपटॉप का कैमरा ऑन करके उसकी फुल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उनकी एक्सक्यूज क्या है कि जी हम जो है ना इस दुनिया की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, और ये मतलब काइंड ऑफ एन एक्सक्यूज लगता है कि दुनिया की प्राइवेसी इन्वेड हो रही है। तो एवरी सिंगल ईमेल, एवरी सिंगल एसएमएस वो स्टोर किया जा रहा है, तो इंसानों की प्राइवेसी ही नहीं है, आपकी टोटल जो है ना इवन जो टेक्स्ट और ईमेल आप डिलीट कर देते हैं वो भी उनके रिकॉर्ड में सेव हो रही है। तो किसी भी इंसान के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी हो, इवन जो चीजें आप भूल जाते हैं वो भी रिकॉर्ड के अंदर उनके पड़ी होती है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। बास टॉप के ब्रांड इसमें इन्वॉल्व है, खासतौर पर फेसबुक और गूगल वगैरह, इसके ऊपर आप लोग ये टेड टॉक्स वगैरह देखिएगा तो आपको थोड़ा सा माइंड अलर्ट भी होंगे। बहुत से ब्रांड्स इसको फाइट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, फायरफॉक्स वगैरह, बहुत से ये लैपटॉप बनाने वाली कंपनीज अब अपने लैपटॉप के कैमराज हाइड करना शुरू हो गए हैं ताकि कंज्यूमर प्राइवेसी इस तरह इन्वेड न। मटेरियलिज्म का ऑब्वियसली बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हर वक्त के जो इश्तहार हैं वो लोगों को एनकरेज कर रहे होते हैं कि लोग चीज़ों ही की तरफ हर वक्त देखें, वो मैन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा होता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ये एक बहुत बड़ा इशू है। मार्केटिंग इसी तरह गरीबों को भी रिप कर रही होती, अमीरों को भी रिप करती है और पोर्स को भी एक्सप्लॉइट कर रही होती है, तो ये इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं। एक्चुअली ये होता है कि जो बनाने वाली कंपनी है उसको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है, एथिकल मैटर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, अदरवाइज आप मार्केटिंग का मकसद यही है एवेंचुअली अपनी सेल्स बढ़ाई जाए, पैसे के लालच में वरना लोग अंधाधुंध जो है ना उसके पीछे चल रहे होते हैं। लास्ट कंसेप्ट हमारे इस चैप्टर का है विजन, ब्रांड एंड कैरियर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि विजन जितना बड़ा हो आपका, यानी अगर आप अपने विजन की खातिर मर नहीं सकते तो फिर आपके वो वर्थ इट नहीं है कि आप उसके लिए जिंदा भी रहे। एक स्टडी हुई थी हार्वर्ड के एमबीएस की, जिससे ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट रिवील हुए थे कि जो लोग रिटर्न गोल्स नहीं लिखते वो बहुत कम अचीव कर पाते हैं, इवन फाइनेंशियली बहुत कम अचीवमेंट्स उनकी होती हैं, वर्सेस जो लोग रिटर्न गोल जिन्होंने लिखे होते हैं वो उनसे 10 गुना अर्न कर रहे होते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी, और ओवरऑल भी यानी आपके जो गोल्स हैं वो रिटर्न फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। अब दुनिया के हम चंद बड़े बड़े ब्रांड्स टच करते हैं। वॉक्सवैगन जर्मन ब्रांड है जिसका मीनिंग ही पीपल्स कार है, 1937 में फाउंड हुआ था हिटलर की सपोर्ट से।
इस वक्त वॉक्स वैगन ने दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को परचेज कर लिया, हत्ता के बेंटले एक हैंडमेड कार्स का ब्रांड है, ऑडी, बुगाटी, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, इन सब को इस वक्त वॉक्स वैगन ग्रुप ओन करता है। तो ये जिसको पाकिस्तान में हम, बल्कि इनके बीटल एक बड़ी फेमस गाड़ी हुई थी जिसे डड्डू कार भी पाकिस्तान में कहा जाता है। एक्चुअली इतनी सी ये नहीं कहने को कंपनी, लेकिन उसने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को परचेज कर लिया हुआ है। तो बैक एंड पे आज भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड बैक एंड पे उसको ऑन करने वाली गिनती की चंद कंपनी है। थॉमस बाटा ने बाटा फाउंड की थी 1894 में अपने सिबलिंग्स के साथ, और आज हम देख रहे हैं कि बाटा वर्ल्ड लार्जेस्ट शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी हुई है। टोयोटा 1920-30s में थी, टोयोटा फादर और सन ने मिलकर बाद में उसका नाम टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन बना। आज वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी है, जो वाहिद कंपनी है दुनिया की जो 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख यूनिट हर साल बना रही है सन 2012 से लेकर अब तक। जॉन कैडबरी ने 1824 में यानी तकरीबन आज से 200 साल पहले इंग्लैंड के अंदर उसने चॉकलेट बनाने वाली ड्रिंकिंग चॉकलेट सेल करनी शुरू की थी। आज जो हम पाकिस्तान में भी हर दुकान पे देख रहे होते हैं कैडबरी डेयरी मिल्क, ये कैडबरी का नाम 200 साल पुराना है। यानी इतनी लॉन्ग टर्म, इसको विजन कहते हैं कि इतनी लॉन्ग टर्म सोच के आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसी तरह सोइचिरो होंडा, इसी जमाने में एक मैकेनिक था जो टोयोटा के लिए भी इवन पिस्टन बनाता होता था, बाद में उसने अपनी कंपनी मिला ली। आज होंडा वर्ल्ड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, और गाड़ियों के भी टॉप के ब्रांड्स के अंदर आता है। तो यानी चंद सालों के अंदर ये कहाँ से कहाँ जो है ना वो कंपनीज पहुंचती है। तो ये है कि हम, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले वो अपने बिजनेस करने का नहीं सोचते, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, बल्कि सिर्फ मुलाजमत का सोच रहे होते हैं, जो कि नुकसान है बहुत। बाद और डिफरेंट ब्रांड्स, फिर जरूरी नहीं है कि ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट्स ही के हों। गिविंग प्लेज बिल गेट्स और वॉरेन बफे ने बनाया है, जिसमें वो बिलियनर्स को मेंबर बनाते हैं कि आप लोग अपनी एटलीस्ट हाफ वेल्थ गरीबों को दें। इसी तरह खलीफा एक ब्रांड है जो लोगों को ग्रीन थिंकिंग के ऊपर, लेस कंजम्पशन के ऊपर फोकस कर रहा है। इंडिविजुअल ब्रांड नेम इज लेस्लिन श्वाब, एक बहुत फेमस बंदी है, ट्रेनर, वन ऑफ दी फेमस ट्रेनर ऑफ द वर्ल्ड बन गई है, उसने पर्सनल एक्सीलेंस ब्लॉग अपना बनाया है। इमाम गजाली फॉर एग्जाम्पल कहाँ किस सदी में थे, और उनके ऊपर हार्वर्ड वगैरह में भी PhD हो रही है उनकी स्टडीज के ऊपर। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, यानी कि इंडिविजुअल ब्रांड नेम उनका वो आज तक चल रहा है। ट्रेवन सी की उनकी डेथ हुई है, 900 साल बाद भी उनकी लिखी हुई किताबें आज भी उससे लोग टच हो रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है। तो अपने पोटेंशियल को रियलाइज करें, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी सिफात रखी हैं। ये रीजन है लोग क्यों फेल होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग से, अनक्लियर गोल से। अपने गोल्स बनाएं लाइफ में और बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं, बहुत आगे इंसान पहुंच सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। तो ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, डेल, माइकल डेल, ठीक है, डिज्नी, मार्क जकरबर्ग, राल्फ लॉरेन, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन लोगों की इवन अंडर ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं, लेकिन इन लोगों की अकम्पलिशमेंट्स देखें हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं। तो रिटर्न गोल्स अपने लाइफ में करें, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखें, और फिर डिफरेंट कैरियर पाथ्स को ब्राउज करें। टीचिंग और डॉक्टरी, ये दो शोबे ऐसे हैं जिसके अंदर आपका अर्निंग मकसद नहीं होता। एक तो इनके अंदर आप लोग ध्यान रखें, अगर आप में से जो लोग आर्टिस्टिक नेचर के हैं उन्हें चाहिए कि वो टीचिंग साइड को ऑप्ट करें, इसके लिए PhD मैंडेटरी होती है। या डॉक्टर की फील्ड, खास तौर पर आपके यंगर सिबलिंग में कोई है जिसने भी फील्ड ऑप्ट करनी है, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। इसका पीछे असल नीयत और मकसद ये होना चाहिए कि हमने इंसानियत को नफा पहुंचाना है, इनके पीछे अर्निंग मकसूद भी होनी चाहिए। अगर किसी का कंसर्न अर्निंग है, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी गुड आइडिया कि आप कोई बिजनेस या ट्रेड करें, ये बहुत नोबल चीज है। इस बुक में भी एंड में दो चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर डेडिकेटेड है। नाइकी के बारे में फॉर एग्जाम्पल आता है, वो एक भी फैक्ट्री ओन नहीं करती, तो दुनिया का इतना बड़ा शूज का ब्रांड है, लेकिन वो सिर्फ आउटसोर्सिंग करवाते हैं। तो ये ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स। लास्ट ऑप्शन फिर आपके पास एम्प्लॉयमेंट की होनी चाहिए, अगर आपको उनमें से कोई भी क्लिक नहीं करता तो ठीक है, फिर मुलाजमत भी एक ऑप्शन है। इसी तरह फीमेल्स के लिए भी दुनिया के अंदर बहुत सारे ब्रांड वो फीमेल्स ओनली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, खासतौर पर मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कईयों के अंदर फीमेल कैब सर्विसेज सेपरेटली आ गई हैं। तो बहुत सारे इस तरह यानी डिफरेंट फीमेल्स रेलिवेंट प्रोडक्ट्स के ब्रांड हैं, फीमेल्स जो डील कर रही हैं वो उसके अंदर ऑप्ट कर सकती हैं। तो लाइफ के अंदर आप कहीं से कहीं पहुंचते हैं। जेके रोलिंग, जिसने हैरी पॉटर लिखी है, वो वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल बिलियनर बनी, हालांकि उसने 12 पब्लिशिंग हाउसेज में अपनी किताब भेजी थी, लेकिन वो उनमें से कहीं पे भी पब्लिश नहीं हुई। इस तरह पाकिस्तान में आरफा अब्दुल करीम थी, ये उस वक्त यंगेस्ट सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेस्ट बनी थी 9 साल की एज में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी बहुत जल्द डेथ हुई। फिर उसकी के नाम पे लाहौर में वो आरफा यूनिवर्सिटी और वो टावर भी उन्होंने रीनेम कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने MIT के नाम से। लाहौर टेक पार्क पहले नाम था, आरफा के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उसका नाम पड़ गया। तो ये आइडियाज हैं डिफरेंट, इसको एक्सप्लोर करें कि आप क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, किस ग्रेटनेस तक पहुंचना चाहते हैं। तो प्लान ऑफ एक्शन बनाए, ये विंस्टन चर्चिल का बड़ा दिलचस्प कॉल है, जो प्राइम मिनिस्टर भी था UK का, जब
पाकिस्तान 1940s के एरा में, जब जिन दिनों पाकिस्तान आजाद हुआ है, तो उसने कहा था ही हु फेल्स टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की तो आप एक्चुअली फेल होने की प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके। बाकी ये चैप्टर वन की फिर की टर्म्स हैं।